हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, मतलब पढ़ते तो रोज ही हैं। हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। कितनी तारीख आज आएगी? 9 दिसंबर। हम पढ़ेंगे 8 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी, ठीक है? और इसमें हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। इसमें आपको कुछ टाइम बाद जीएस और मैथ्स के भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? 8 दिसंबर 2021 में क्या हुआ? वर्ष 2021 के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार को एक साथ दिया गया। क्या दिया? 2021 और 22 में, 2021 और 22 के रविंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है ये? साहित्य पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, इसको क्या कहे? 2021 और 22 के राय रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार एक साथ दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? राजकमल को किस चीज के लिए दिया? इनका एक उपन्यास है राजकमल का। ये कौन है? ये पत्रकार और लेखक दोनों है। ये कौन है? राजकमल ये पत्रकार और लेखक दोनों है, ठीक है? और इनहोंने किस उपन्यास के लिए जीता? इनका उपन्यास भी तो, इनका उपन्यास कौन सा है? इनका उपन्यास है द सिटी एंड सी। इनका उपन्यास है द सिटी एंड द सी, ठीक है? इसके लिए 2020 में इन्होंने जीता गया। कौन सा पुरस्कार जीता? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता, ठीक है? किसमें जीता? 2020 में, ठीक है? यह सामाजिक उपलब्धि का पुरस्कार उमनिया के दिव्यांग सुल्तान। और 2021 और 22 का ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है? 21 का नहीं, 2020 में। यह सामाजिक उपलब्धि किसको? सामाजिक उपलब्धि 2020, मतलब इसको सामाजिक तौर पर भी दिया जाता है। किसको दिया गया? यह दिया गया ओमान के दिवंगत सुल्तान, ओमान के दिवंगत सुल्तान, जिनका नाम क्या था? हिज मैजेस्ट्री सुल्तान। क्या नाम है? बिन सैयद, बिन सैयद अल सैयद। किसको दिया? 2020 के सामाजिक उपलब्धि 2020, मतलब इसका क्या रखा गया? सामाजिक उपलब्धि 2020 के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया? उमन के दिव्यांग सुल्तान, दिवंगत सुल्तान, हिज मेस्ट्री सुल्तान बिन साई सैयद अल सैयद को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है? कब दिया गया? 2020 में यह दिया गया, ठीक है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। इन्होंने किया गया केंद्रीय विकास ग्रामीण संस्थित गिरिराज सिंह ने, ठीक है? और ये विकास मंत्री तथा पंचायतीय
राजमंत्री, इनको पंचायती राज मंत्री भी हैं ये, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, किसके लिए इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, किस चीज के लिए रिकॉर्ड जारी की इन्होंने, पंचायती है, पंचायती है राज संस्थानों के माध्यम से, राज संस्थानों के माध्यम से क्या किया इन्होंने, एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पंचायती है राज संस्थानों के माध्यम से क्या किया गया, माध्यम से सतत विकास का, सतत विकास के ऊपर, सतत विकास क्या किया ना, सतत विकास लक्ष्य पर स्थानीयकरण, विकास पर क्या किया, लक्ष्य स्थानीयकरण, लक्ष्यों को स्थानीयकरण किया, क्या इसका मतलब क्या है, रुकना एक मिनट। इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की है, किसने, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री तथा और पंचायती राज मंत्री, इनको पंचायती राज मंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी है, जिनका नाम है गिरिराज सिंह। उन्होंने क्या कि एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ग्रामीण राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास पर लक्ष्यों पर स्थानीयकरण, मतलब ये इस किया गया कि पंचायती राज में स्थानीयकरण का लक्ष्य बताया उन्होंने कि सतत विकास इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ग्रामीण विकास योजना GPG मॉनिटरिंग डेस्कटॉप, इन्होंने क्या किया और इसमें है क्या क्या, इसमें क्या किया इन्होंने, विकास योजना के तहत मॉनिटरिंग, इन्होंने क्या किया मॉनिटरिंग डेस्ट बॉक्स, डेस्ट बोर्ड सॉरी, और किसके द्वारा की, मॉनिटरिंग डेस्ट बोर्ड और प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल द्वारा, प्रशिक्षण प्रबंधन किसके द्वारा, पोर्टल द्वारा, मतलब इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिसके माध्यम से इन लोगों की वो चढ़ाई गई कि मतलब इन लोगों ने मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, ठीक है। किस रिपोर्ट को जारी किया गया, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास पर लक्ष्य स्थानीयकरण की रिपोर्ट जारी की गई, किसने की, राज गिरिराज मंत्री ने की गई, ठीक है। मणिपुर में एक सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल मिनिस्ट्री मतलब सरकार द्वारा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया 120 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के लिए, इन्होंने 120 करोड़ का क्या किया, राज्य को सरकार ने क्या दिया, लोन दिया, किसके लिए, जल जीवन मिशन के लिए, किसके लिए, जल जीवन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के लिए इन्होंने सरकार ने राज्य को कितने दिए, 120 करोड़, किस राज्य को दिए, मणिपुर, किसको दिए, मणिपुर राज्य को, क्योंकि इसमें यहाँ पहाड़ी महाड़ी इलाका है तो इनको काट के पाइपलाइन वगैरह डाली जाएगी, किस कितने करोड़ दिए, 120 करोड़ दिए, जल जीवन कार्यान्वयन के लिए राज्य को 2000 किसके द्वारा, अपने राजकीय कोष के द्वारा दिए इन्होंने 2020 और 21 के लिए, ये पॉइंट लिखते हैं ना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 और 22 के लिए 441 करोड़, अभी इन्होंने फिलहाल में 120 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए दिए थे, किसको दिए थे, मणिपुर राज्य को दिए थे केंद्र सरकार ने, सेंटर मिनिस्टर ने, मिनिस्ट्री ने, किसने, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को, मणिपुर राज्य को 120 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए दिए गए। अब 2020 2021 और 22 में 481 करोड़ रुपए किसके लिए, जल जीवन मिशन के तहत ही दिए गए, किसके तहत दिए गए, जल जीवन मिशन के तहत दिए गए, कितने बार, कौन से वर्ष में दिए गए, 20 और 21 और 22 के लिए दिए गए, ठीक है। ये कौन से, किससे, केंद्र सरकार अपने राजकोष से इसको दिया है। अब तक राज्य में मतलब अभी ये योजना अभी कम थी, मतलब थोड़ा थोड़ा लागू किया, अब सरकार, अब तक राज्य में ये जल जीवन मिशन कितना पॉसिबल हुआ, इसमें 2.67 लाख परिवार
कौन से ग्रामीण परिवारों को, ठीक है, 2.6 लाख मतलब कितने लोगों को इसमें कनेक्शन मिलेगा, ठीक है, इसमें 59.2% लोगों को घर में टोंटी लग गई है, किसके तहत, इस जल जीवन मिशन के तहत, कितने करोड़ रुपए में, 120 करोड़ रुपए में, मतलब ये काम हुआ है और भी मतलब इसमें काम होना, अभी तक कितने लोग बाकी रह गए इसमें, अभी तक 4.51 लाख, 4.15 लाख ग्रामीण परिवारों में से इतने रहेगा। अब इसमें शहरी और जो भी आसपास के इलाके रहेंगे, जितने भी गांव वगैरह, उनमें इन लोगों को जोड़ा और जो लोगों को जोड़ा जाएगा, इतने लोगों में से अभी तक 2.67 लाख परिवार लोग, मतलब 59.2% काम पूरा हो गया। और सरकार ने जल जीवन मिशन के 2021-22 में 481 करोड़ रुपये और दिया, ठीक है। भारत की पहली महिला मनोवैज्ञानिक, भारत की फर्स्ट मनोवैज्ञानिक, सॉरी सॉरी सॉरी, मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोचिकित्सक है। मनोचिकित्सक कौन है, भारत की मनोचिकित्सक मानी जाने वाली कौन है, शारदा मेन, शारदा मनेन, कौन है, शारदा मनेन द्वारा इनका निधन हो गया, ठीक है। भारत की फर्स्ट मनोचिकित्सक वाली, मतलब मनोचिकित्सक वाली शारदा मेन का निधन हो गया, ठीक है, इन लेडी का निधन हो गया। इनको क्या क्या मिला, ठीक है, इनके पुरस्कार याद है, इन्हें 1992 में कौन सा मिला, पद्म भूषण, ठीक है, और इनको क्या मिलेगा, 1959 में चेन्नई के कौन से, इन्होंने इनको पहली महीना का वो मानव चिकित्सक का ये कैसे मिला, ठीक है, इनको क्या होगा, 1959 में इन्होंने क्या किया, चेन्नई के एक हॉस्पिटल, चेन्नई के कौन से हॉस्पिटल, चेन्नई के हॉस्पिटल है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य संस्था, मानसिक स्वास्थ्य संस्था में इन्होंने क्या किया, काम किया, ठीक है, काम करना शुरू किया। और यह देश की उसी टाइम उन्होंने देश की यह पहली मनोचिकित्सक बन गई, कौन बनी, शारदा मेन मेनन, ठीक है। सरकार ने जो राजकीय कोष से, मतलब ये सरकार का राजकीय कोष होता है, ये अपनी तरफ से ये बाहर से लोन लेती है, ठीक है, तो सरकार द्वारा, मतलब सरकार ने तमिलनाडु और चेन्नई, नहीं तमिलनाडु और उत्तराखंड, क्या किया सरकार ने, तमिलनाडु उत्तराखंड के लिए एक काफ़ी आवासीय परियोजना, मतलब तमिलनाडु में एक आवासीय योजना, ठीक है, कौन सी योजना, आवासीय योजना, उसमें जल स्वच्छता योजना या कार्यक्रम, ठीक है, इन्होंने क्या किया सरकार ने, सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने कि आवासीय योजना किसमें, तमिलनाडु में आवासीय योजना और उत्तराखंड के लिए जल स्वच्छता कार्यक्रम के लिए इन्होंने क्या किया, एशियाई विश्व बैंक, ये किया एशियाई विकास बैंक, कौन सा, एशियाई विकास बैंक,
क्या किया सरकार ने इन योजनाओं के लिए, इस बैंक के पास गई ठीक है, और इन्होंने क्या किया इससे लोन मांगा कि भैया हमें ऋण दो, इसकी आवासीय योजना तमिलनाडु में उत्तराखंड में जल स्वच्छता कार्यक्रम करना है हमें अपने देश में इन राज्यों में, तो इसके लिए हमें लोन चाहिए। तो सरकार ने इस बैंक से दो हजार 74 करोड़ रुपए का लोन लिया, किससे लिया, एशियाई विकास बैंक से। कितना, 2074 करोड़ रुपए का लोन लिया। इसमें क्या क्या मिलेगा, तमिलनाडु में गरीबों के लिए आवास तक पहुंचना, गरीबों को आवास योजना के तहत जोड़ना, जिसमें सरकार ने 15.5 मिलियन डॉलर ठीक है, अमेरिकी डॉलर, ठीक है। और इन्होंने तमिलनाडु के लिए आवास, मतलब गरीबों को आवास से जोड़ने के लिए इन्होंने 150 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का इन्होंने तमिलनाडु के लिए लोन लिया ठीक है, अपनी तरफ से लिया ठीक है। इस ऋण के लिए इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, किसने कर दी, एशियाई विकास बैंक ने इस चीज़ को मान्यता दे दी कि ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको लोन देंगे। और उत्तराखंड में देहरादून नैनीताल, उत्तराखंड में देहरादून नैनीताल और उत्तराखंड के पीए पेयजल ठीक है, आपूर्ति के सुधार के लिए कितना, 125 मिलियन अमेरिकी, 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का, ऋण पर क्या किया इन्होंने हस्ताक्षर किए, कितने, देहरादून नैनीताल और उत्तराखंड में पेयजल के लिए सरकार ने 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या किया इन्होंने, इसका ऋण लिया, किससे लिया, एशियाई विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा, एशियाई विश्व बैंक द्वारा इन्होंने इस चीज़ का लोन लिया कि भाई हमें इतना अपने यहाँ काम करना है। डीआरडीओ ने उड़ीसा में क्या किया, डीआरडीओ ने उड़ीसा के डीआरडीओ ने क्या किया, एक मिसाइल का परीक्षण किया, किसकी, शॉर्ट रेंज की मिसाइल का, क्या नाम है इस मिसाइल का, सरफेस टू, नहीं सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया, सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया, किस, ये कौन सी, एक मिसाइल, डीआरडीओ ने एक मिसाइल का परीक्षण किया, इसका भी कोई नाम नहीं दिया, सरफेस टू एयर मिसाइल का ठीक है। और ये कहाँ किया गया, ओडिशा, ओडिशा के चांदनीपुर में ठीक है, कहाँ किया, ओडिशा के चांदनीपुर में किया गया ठीक है। यह परीक्षण रेंज टीआरटी से लंबत रूप से लॉन्च की गई शॉर्ट रेंज मिसाइल है ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है ठीक है। इस परीक्षण में इस मिसाइल वायु में एयर प्रणाली लगभग, मतलब एक प्रणाली से विकसित की जिसको सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर आएगी ठीक है, और इसमें वायु इस रक्षण प्रणाली में ठीक है, इसमें ये मिसाइल कितने किलोमीटर जा सकती है, किलोमीटर वायु में, या 15 किलोमीटर तक जा सकती है, किसने किया, डीआरडीओ ने सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया, ये ओडिशा के चांदनीपुर को ठीक है, यहाँ से सरफेस टू एयर, और ये एयर में 15 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता, मतलब मारने की जा सकती है ये ठीक है, मारक क्षमता हो या जाने की क्षमता। अब इस मिसाइल का जिस तरीके से उपयोग किया जाएगा उसके सरकार और इसके ऊपर संशोधन करेगी, और मतलब डीआरडीओ को इस चीज़ के ऊपर सरकार को पेश करेगी, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ और जोड़नी चाहिए ठीक है। भारत सरकार ने अरब और ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स
कॉमर्स। भारत के बारे में अरब और ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक रिपोर्ट डेटा जारी की है, निर्यात रिपोर्ट डेटा जारी कितनी तारीख को की है, 7 दिसंबर को। ठीक है, यह रिपोर्ट में क्या किया गया, रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का निर्यात किससे, ब्राजील से कितना बढ़ गया, मतलब भारत सबसे ज़्यादा क्या गेहूँ निर्मा खाद्य निर्यात भारत का सबसे ज़्यादा बढ़ गया, उसने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, किसको छोड़ दिया है, ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया, भारत का निर्यात बढ़ गया है किससे, ब्राज़ील से, और किससे, ब्राज़ील से, ब्राज़ील का निर्यात कम हो गया है। ठीक है, और यह रिपोर्ट किसने जारी, अरब और ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ब्राज़ील का व्यापार हिस्सा दूसरा, भारत का व्यापार हिस्सा। ठीक है, ब्राज़ील अभी कितना, 1.5%, और भारत 8.592। अरे यार, 2.5%। और ये ब्राज़ील अरब और ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कितने लोग हैं, 22 लोगों के द्वारा एक कमेटी गठित हुई है, जिसमें इन कमेटी में बताया गया कि ब्राज़ील का व्यापार हिस्सा 8.51 और भारत का व्यापार एक हिस्सा 8.25% हो गया है। ठीक है, और ये भारत का निर्यात लगातार बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया है। ठीक है, टाटा कंपनी द्वारा, टाटा पावर और IIT मद्रास, या चेन्नई बोल लो, IIT मद्रास अनुसंधान विकास परामर्श वकील सहयोग के लिए समझौते पर, मतलब टाटा पावर और IIT मद्रास ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, किस पे किए, हस्ताक्षर किए, समझौता किया किस-किस चीज पर किया, किसके साथ किया, टाटा के संग अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान एवं विकास परामर्श वकालत, प्रशिक्षण और समाधान। IIT मद्रास और टाटा पावर ने समझौते पर हस्ताक्षर, किस किस पे, अनुसंधान और एवं विकास और परामर्श वकील वकालत, ठीक है, प्रशिक्षण और समाधान, इस चीज़ के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया। ठीक है, ये बस इतना हो गया। सरकार द्वारा निकाले, सरकार ने क्या किया, 9 से 11 दिसंबर के बीच, 9 से 11 दिसंबर की प्रगति मैदान में एक क्या किया गया, फूड इनोवेशन, फूड इनोवेशन नेटवर्क, फूड इनोवेशन नेटवर्क CTCIAL इंडिया। ठीक है, सरकार ने 9 और 11 दिसंबर को दिल्ली, ये कहाँ हुआ, दिल्ली,
ठीक है, इसमें फूड इनोवेशन नेटवर्क स्टिल ऑफ स्टिल इंडिया, इसके तहत मेघालय फर्स्ट फूड, क्या बन गया, मेघालय फर्स्ट फूड इनोवेशन नेटवर्क स्टाइल इंडिया, ठीक है, यह बन गया किसके तहत, फूड इनोवेशन नेटवर्क में ये मेघालय पहले नंबर पर आया है। ये दिल्ली में प्रगति मैदान में इस चीज़ के ऊपर क्या हुई, मतलब इस चीज़ को चुना गया, ठीक है। इसके लिए सरकार ने क्या क्या मेघालय से साझेदारी कर ली इस फूड इनोवेशन नेटवर्क के लिए, ठीक है, किसने, सरकार ने मेघालय से साझेदारी कर ली, ठीक है। और इंडिया का सवाल, ठीक है, और सेल इंडिया का शुभारंभ कर लिया, किसने, भारत सरकार ने, मतलब सेल इंडिया में किसका, ब्रेक ड्रेस को इसका शुभारंभ कर लिया। किसने, भारत सरकार ने, स्टील ऑफ इंडिया में विक्रो शुभारंभ और स्थापना भी होगी, ठीक है, किसकी, विंग विंग स्क्रोप की स्थापना होगी, ठीक है। एक कवि हैं जिनका नाम क्या है, असोमिया कवि, नीलमणि, असोमिया कवि नीलमणि को, नीलमणि नीलमणि फूकन को 2020 का कौन सा पुरस्कार, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इन्हें ये कोंकण कोंकण दामोदर माउदी माउजो 2021 में इन्होंने किसका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में इन्होंने जीता, ठीक है। और इनको दामोदर माउजी मौजो को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 में नवाजा गया, यह सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है, कौन सा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, यह भारत का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, साहित्यकार साहित्यक पुरस्कार है, कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद यह है कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, साहित्यक पुरस्कार है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2021 को इन्होंने क्या किया, 12 कंपनियों से, कितनी, 12 कंपनियों से इन्होंने कितना, 5,051 करोड़ रुपए की साझेदारी की, ठीक है, कितनी, 5,051 करोड़ रुपए की साझेदारी, कितनी, 12 कंपनियों से की है। इसमें 9,000 से अधिक रोजगार, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितनी, 9,000 से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ठीक है। और समझौता ज्ञापन के तहत, समझौता ज्ञापन के तहत, ठीक है,
सूचना प्रबंधक, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, ये किस किस चीज में आएगा? ये आएगा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष संस्थान, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैविक स्टील, जैविक ईंधन स्टील। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वाहन, इथेनॉल, एथेनॉल उत्पादन। ठीक है, और किसमें? संघन, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, अन्य जैसे अन्य क्षेत्र में। अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन के लिए, ये चीज़ों के लिए भारत सरकार ने 7 दिसंबर को 12 कंपनी के साथ समझौता किया। कितने? 5,051 करोड़ रुपए का, 9,000 जिसमें नौकरियां मिलेंगी। और समझौता ज्ञापन का प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैविक स्टील, जैविक ईंधन स्टील और इलेक्ट्रिक वाहन एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है,